हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 21 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। इनमें सीट पर पार्टी ने टिकट भी बदले हैं। पार्टी ने इससे पहले 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, यानी बीजेपी अब तक 87 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 3 सीटें जो होल्ड पर हैं उनमें फरीदाबाद, NIT, महेंद्रगढ़ और सिरसा सीट शामिल है। पार्टी ने नारायणगढ़ से पवन सैनी, पहुवा से जय भगवान, पुंडरी से सतपाल जाम्बा, असंत से योगेंद्र राणा, गनौर से देवेंद्र कौशिक, राय से कृष्णा गहलावत, बरोदा से प्रदीप सांगवान, जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी, नरवाना से कृष्ण कुमार वेदी को टिकट दिया है। जुलाना में योगेंद्र बैरागी का सामना कांग्रेस की विनेश फोगाट से होगा। पिहोवा सीट पर उम्मीदवार बदला गया है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया है। बीजेपी ने पिहोवा सीट से अब जय भगवान शर्मा DD को उम्मीदवार बनाया है। आज ही पार्टी के पिहावा से पहले घोषित उम्मीदवार कंवलजीत अजराना ने टिकट वापस कर दिया था। अजराना ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। रोहतांग से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को मैदान में उतारा गया। गन्नौर में निर्मल रानी की जगह देवेंद्र कौशिक को टिकट दिया गया। वहीं गन्नौर से मौजूदा बीजेपी विधायक निर्मल रानी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, उनकी जगह देवेंद्र कौशिक को उम्मीदवार घोषित किया गया है। रायर सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को टिकट नहीं दिया गया। पार्टी ने उनकी जगह कृष्णा गहलावत को मैदान में उतारा है। मोहनलाल बड़ौली पहले ही संगठन में काम करने के लिए चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे। 21 में इन सीटों पर टिकट कटा था। होडा से जगदीश नायर का टिकट कटा, हाथीन से प्रवीर डागर का टिकट कटा, बड़खल से सीमा त्रिखा का कटा, बवाल से बनवारी लाल का टिकट कटा, पटौदी से सत्यप्रकाश जरावत का टिकट, राय से मोहनलाल बड़ौली का टिकट कटा, गन्नौर से निर्मल रानी का टिकट कटा। सामाजिक समीकरण साधने का पूरा प्रयास, टिकट में बीजेपी ने सामाजिक समीकरण भी साधने का पूरा किया है। 21 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक सैनी, 2 ब्राह्मण, राजपूत, 2 जाट, 3 रौर, 1 बैरागी, 1 जाट सिख, 1 पंजाबी, 3 आहिर, 1 जाटव, 3 और मुस्लिम 2 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा 4 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार और 2 महिला उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा गया है। 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को होने हैं चुनाव। बता दें हरियाणा में विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। इससे पहले राज्य में 1 अक्टूबर को चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने त्योहारों और छुट्टियों को देखते हुए चुनाव को आगे टाल दिया। इससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को सामने आने थे, लेकिन अब 8 अक्टूबर को सामने आएंगे।